अच्छा, ये फल तोड़ रहे हो, ये कैसा फल है, ये खाया जाता है क्या? अभी भाई मैं जिस ब्रिज पर खड़ा हूँ उसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। थोड़ा डरावना सा है मेरे लिए, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और यह रिवर भाई चाइना से आ रही है। और अभी भाई रेनन हमें अपने घर में लेके आ चुके हैं। यहाँ पर एक सुसाइड पॉइंट है, थोड़ा बताओ ना रेनी सुसाइड पॉइंट के बारे में। जब देखो तो नाम बड़ा अजीब सा है, खूफा। क्या हो गया भाई? सब इसका कमाल है। क्या डाला है इस पर रेनन? किंग चिल्ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। अभी मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे खुफिया गांव में जिसका नाम है भाई खुफा। और यह जगह हाईलैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जितनी यह जगह खुफिया लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा यह सुंदर लग रही है, क्योंकि यह जगह चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। आप देख सकते हैं इसके चारों ओर आपको पहाड़ी नजर आएंगे और पहाड़ों के बीच में यह जगह बसी हुई है। और इस जगह को हम एक्सप्लोर करने वाले अमन की एक फ्रेंड के साथ। तो बताओ यार उनके बारे में थोड़ा। मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, तो कल शाम को हम अचानक से मिल गए। सोचा नहीं था कि उसका घर यहाँ पे, तो मिले और उसने बोला कि आज हमें होस्ट करने वाली है। तो अभी हम जाने वाले हैं जहाँ से आपको पूरा का पूरा इस खोपा का व्यू दिखेगा ऊपर से। हाँ चलो। हैं बे, भूत है इस पेड़ पे, तुझे कैसे पता? हाँ सोसाइट किया है, तो वो जो सोसाइट किया है उसका भूत इसके अंदर घुस गया ना, तो इसलिए इसको ये रास्ते में इसको काटने की कोशिश की। काटा वटा भी ना? नहीं काटा। अच्छा, देखा है तुमने कभी भूत? देखा है। कैसा होता है बताओ तो? ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लैक ब्लैक कलर का भूत देखा है तुमने? हे बाबा, डरे नहीं तुम? तुमको भूत से डर नहीं लगता? तुम तो खतरा आदमी हो यार। नाम क्या है आपका? कामन। किधर कहाँ जा रहे हो? मिसमी ट्राइब से। मिली। अच्छा, मिली ट्राइब भी है इधर है। इधर कहाँ जा रहे हो? घूम रहे हैं आज, ठंडे तो आज फुल इधर उधर घूमेंगे, मजा लेंगे ना। अच्छा है, भूतिया पेड़ खतरनाक है यार। तो भाई जो हमारे होस्ट है वो आ चुके हैं, जिनका नाम है रेनन। मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, थोड़ा अपने बारे में बताओ। अच्छा, मतलब यहाँ पे स्टडी करते हो तुम ना? जी। अच्छा है, और यहाँ का मतलब मौसम कैसा रहता है? मौसम तेजी से तो था, ठीक ही होता है लोहित से तो, मतलब इतना गर्मी भी नहीं है लेकिन ठंडा, लेकिन वही हवा ज्यादा मारता है ना यहाँ पे, इतना गर्म नहीं लगता है। अच्छा है, तो हवा ज्यादा आने से तो फिर तो अच्छा है, क्योंकि सूरज की जो मतलब ये किरणें है तो बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, वो तो एकदम पास में है ना सूरज, इसीलिए बस जगह बहुत अच्छी। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हो हमें? आप लोगों को टावर तरफ लेके जाएगा, ऊपर तक टावर तरफ। हाँ, वहाँ से क्या खुपा जो है ना एरिया जो ऊपर से बहुत सुंदर से व्यू आता है। ठीक है, तो अभी हमें ये ऊपर लेके जा रहे हैं टावर साइड, जहाँ से मतलब बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। अच्छा है, फिर तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में? टाइम तो नहीं पता कभी। अच्छा, तो जाते रहते हो आप ऊपर? नहीं, एक बार दोस्तों का गया था एक बार। अच्छा, तो आज स्पेशल हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हो ना? अच्छा है, फिर तो दिखाने के लिए आगे। सही है, मेहमानदारी तो अच्छे से होनी चाहिए ना, है ना? मेहमान नवाजी होगा अभी प्लीज भाई का। हाँ, तो ऊपर चलते हैं भाई और देखते हैं और दिखाते हैं आपको खुफा का एक बहुत ही अच्छा सा व्यू, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है खुफा। वैसे काफी ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आने से भाई देखो खुफा का जो नजारा है, देखो कितना सुंदर है भाई, मतलब पूरा खुफा नजर आ रहा है। और इधर में ट्रैक व्रैक तो कुछ नहीं है, ऊपर आके पूरा जंगल है, जंगल के बीच से जा रहे हैं। और अगर कोई ट्रैक होने से तो भाई बहुत मजा आ जाता, क्योंकि व्यू पॉइंट करके ऐसा ट्रैक बन सकता है यहाँ पे, लेकिन अभी देखो पूरे जंगल के बीच से जा रहे हैं। अमन लोग भी थोड़ा आगे चले गए, मैं व्यू देखने के चक्कर में थोड़ा पीछे रह गया। देखो भाई कितना घना जंगल है, कैसे कैसे रास्ते है। वैसे स्पेशली रेनन हमारे लिए आए हो ना व्यू दिखाने के लिए ना? थैंक यू यार। देखो कैसे कैसे जंगल से भी हम लोग जा रहे हैं, बारिश की वजह से ना। अच्छा, ये सब नहीं था, ये बारिश की वजह से ही सब उग गया ना, लेकिन यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नीचे मत जाओ, गिर जाओगे यार। अरे गिर जाओगे नीचे, फिर हमारे नाम लग जाओगे, हमारे साथ गए थे ऊपर। वैसे ऊपर भाई पूरा जंगल उग चुका है, तो वहाँ से तो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो भाई खुफा, और शायद आपको भी थोड़ा ही दिख रहा है, क्योंकि यार जंगल की वजह से अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा, बारिश में जो है ना घास बहुत ज़्यादा उग जाती है।
पर फिर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा खूफा, क्योंकि सामने का व्यू देखो कितना सुंदर है, और ये चारों ओर भाई देखो पहाड़ों से मतलब घिरा हुआ है, साइड से एक नदी जा रही है जो कि मतलब इस जगह को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती है, और ये पहाड़ और भी ज़्यादा मतलब खूबसूरती जाया करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ से देखो भाई कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर खूफा। नाम बड़ा अजीब सा है खूफा, ऐसा लग रहा है जैसे खूफिया ही हो कोई ना। देखो भाई यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, पूरा का पूरा खूफा नज़र आ रहा है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। इधर ये ऊपर पहाड़ में किधर जाता है रास्ता, किधर किधर? सफालिंग साइड, तफरालिंग गांव है। कैसा गांव है? अच्छा है ये, ऐसा ही है जबस्ती वाला, ये सब वो थोड़ा यूनिक सा बैम्बू टाइप ना वो नहीं है क्या इधर में कहीं पे ऐसा? हाँ मतलब थोड़ा यूनिक सा होता है ना, जो थोड़ा हिडन सा होता है वो सब नहीं है। देखो भाई हम बोल रहे थे ना यह जगह खुफिया है, तो यहाँ पर एक सुसाइड पॉइंट है, थोड़ा बताओ ना रेनी सुसाइड पॉइंट के बारे में। इधर देखो तो सुसाइड पॉइंट क्यों मतलब उस जगह का नाम रखा गया है? तो सुना है मतलब वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मतलब लोग सुसाइड करते हैं, तो इसीलिए उस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट रखा हुआ है। तुम्हारे सामने किया है कभी किसी ने सुसाइड? नहीं किया। कितने टाइम से हो तुम यहाँ पे? अभी 2 साल ही हो रहे। 2 साल तो अभी लास्ट ईयर, तो 3 साल पूरा यहीं पे। हाँ तो कितना है? चले जाएंगे इस बार। अच्छा इफाब इससे तेजू में ना, सुसाइड पॉइंट भी आपको दिखाएंगे भाई, देखते हैं वहाँ पर कैसा लगता है सुसाइड पॉइंट देख के। सुसाइड नहीं करेंगे, खाली देखेंगे बस। अमन भाई देखो वहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे बैठ के भाई टाइम लैप्स किस चीज का? हवा अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो अभी वापस से नीचे की ओर जाएंगे ना हम, तो चलो अभी नीचे की ओर जाते। अभी भाई रेनन हमें अपने घर में लेके आ चुकी है, और यहाँ पर ये छोटी सी ट्रीट मिलेगी हमें, मैगी वैगी बनाएंगे यहाँ पे। ये रेनन इनका घर है, बस इनको परमिशन ले लेके शूट करना है, क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। बाकी देखो तो घर एकदम जबरदस्त है इनका। अकेले रहता है रेनन ना? तो अच्छा है। तो तुम भैया किधर में है? हाँ अच्छा भैया तेजू में है, तो अभी भैया इधर में नहीं है ना। अरे अच्छा है तो तुम्हारा घर एकदम मस्त मस्त ठंडा है, वही तो बाहर में इतनी गर्मी लेकिन यहाँ में बहुत ठंडा है। तो रेनिन ने भाई अभी हमारे लिए मैगी बना दी है, तो मैगी हमारी रेडी हो चुकी है। अमन भाई खाओ फटाफट, और खाके बताओ रेनिन ने मैगी कैसी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल खाओ तो एक बार, देख सकते हो देख के बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खाओ तो एक बार खाके बताओ। गर्म है यार बहुत, टेस्ट करो देख के, इतना टेस्टी लग रहा है खाने में। तो खाने में अच्छा बनाए, अच्छा बनाए रेनिन, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो तो एक बार इधर स्माइल करो, बहुत बड़ा बात है। क्या हो गया भाई? भाई बहुत स्पाइसी है यार। सब इसका कमाल है। क्या डाला है इस पे रेनन? किंग चिल्ली। ये रेनी नाम का अचार है जिसमें किंग चिल्ली पड़ा होता, तो हमने एक्साइटमेंट में ज्यादा ले लिया और खा लिया। लेकिन रेनी ने मैगी तो बहुत अच्छी बनाई थी, हमने अपनी गलती की वजह से गड़बड़ कर ली, बहुत स्पाइसी हो गया, पूरा का पूरा लाल हो गया। देखो भाई मैगी तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन साथ में किंग चिली खा ली, पूरा हिला दिया भाई। इतना स्पाइसी खाते तुम कैसे हो? स्पाइसी बिना स्पाइसी खाना ही नहीं। बाप रे, अभी हमको नींबू दिया इसने काट के कि कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। भाई की भी हालत खराब है, कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक हो गया, थोड़ी देर हो चुका है पानी पी पी के। बहुत सुंदर जगह में रहते हैं रेनी, क्वार्टर है भैया का ना? अच्छा भैया गवर्नमेंट है क्या भैया? हाँ अच्छा है। तो तुम यहीं पे रहो अच्छे से, क्या करोगे तेजू आके? भाई ये इसलिए खा जा रहा है, मेरा पूरा लिप्स जल रहे है, और भाई गलती में ज्यादा खाए। देखो नींबू खा रहे भाई। सामने ले आओ। चेस। सामने ले आओ ना, अरे कैमरा को लाओ ना। हाँ ठीक है। चेस। ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करो इंतजार तेरा,
अरे वॉइस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा यार, क्या बात करते हो, अच्छे से गाओ ना। देखो भाई अभी रेनिन ने गाना सुना है। अच्छा एक बार आप कमेंट करके बताओ आपको वॉइस कैसी लगी। रेनिन के घर से जाने की बारी आ चुकी है। बहुत अच्छा लगा आज, इसने हमें अच्छी तरीके से घुमाया, अच्छे से ट्रीट किया। मेहमानदारी बहुत अच्छी होती है भाई नॉर्थ ईस्ट में, वो तो हमने देख लिया। तुम्हें कैसा लगा हम लोगों से मिलके? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है, अच्छा है। तो फिर हम चलते हैं, अब यहीं तक था हमारा सफर। तो थैंक यू सो मच रेनिन इतना अच्छा ट्रीट करने के लिए। वेलकम। ठीक है तो रेनिन के घर से आने के बाद भाई रेनिन तो नदी में नहाने के लिए चले गए, लेकिन अब हम कर रहे हैं भाई लंच। लंच में हमारे पास है पराठे है और ये दाल वगैरह है, और यहाँ पर ओनर है। और यहाँ पे ओनर जी कैसे हो भैया जी? ठीक ठीक। बहुत सुंदर जगह है आपकी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो भी लंच कर लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं आगे के लिए किधर निकलना है। तो भाई अभी खोपा में लंच करने के बाद अब यहाँ से जाने की बारी आ चुकी है, और पीछे का व्यू देखो यार कितना सुंदर है। लेकिन यहाँ में भाई धूप अभी बहुत ज्यादा है, और अभी देखो हमें छाता लेकर चलना पड़ रहा है। भाई साहब ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग, अगर मतलब हम छाता वाता नहीं लगाएंगे तो सन मतलब स्किन बर्न हो सकती है, इतना ज्यादा धूप है भाई। अभी यहाँ से चलते हैं, कहाँ जाएंगे अभी ना? अभी हम जाने वाले ही वालों के रास्ते पे। वालों के मतलब हम कहीं भी रुक सकते हैं, आप बने रहना वो देखने के लिए। कैसा लगा खोपा? खोपा घूम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खोपा घूम के बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच यार खोपा के सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए, यार बहुत थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं यहाँ से, बने रहिए आप वीडियो में। और अभी खूफा गांव से निकल के हम पहुंच चुके हैं नीचे में, जहाँ पर भाई लोहित रिवर बह रही है, और यह रिवर भाई चाइना से आ रही है। और सामने का नजारा देखिए कितना सुंदर है, साइड में जो घर बने हुए वे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये रिवर भाई चाइना से आ रही है, आप देख सकते हैं जैसे कि रिवर चाइना से आ रही है। तो क्या हम रिवर के थ्रू चाइना से इधर आ सकते है? अमन आ सकते है? तो हम वैसे अगर हम चाइना गए तो कोशिश करेंगे लोहित रिवर के थ्रू हम इधर अरुणाचल में प्रवेश करने की। रिवर राफ्टिंग करना पड़ेगा, रिवर राफ्टिंग करना पड़ेगा। वो भी बम्बू का नाव बना के, या फिर ये कोल का जो होता है ना जंगली कोल, उसका नाव बना के। बैम्बू का अच्छा रहेगा, बैम्बू का नाव बना के रिवर के थ्रू हम इधर इंडिया में एंटर हो जाएंगे चाइना से। तो हमें ब्रिज को क्रॉस करके उधर में जाना है, वहाँ पर साइड में जंगल में कैंपिंग होगी, रात झिंगा लाला हुआ होगा और बहुत मजा लिया जाएगा भाई। अभी मैं रास्ते से जा रहा था जंगल, और ये देखो यहाँ पर भाई कुछ भैया लोग मिले। भैया क्या कर रहे हो आप? ये अच्छा, ये फल तोड़ रहे हो? ये कैसा फल है? ये खाया जाता है क्या? सब्जी बनती है इसकी? नहीं, सब्जी बनते अच्छा, बादाम की तरह फ्राई करके खाना है। ओहो बहुत टेस्टी लगता है क्या? आप लोग मिसमी हो गया? अच्छा तो तो ऐसे ही जंगल में कुछ भी मतलब खाने वाने के लिए मिल सकता है, अगर आपको पहचान है तो अच्छे से ना। तो भाई अरुणाचल के जंगलों में आपको खाने पीने के लिए कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आपको उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत वलत खा ले तो नुकसान भी हो सकता है ना, बहुत नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? जहर भी हो सकता है। हाँ जहर भी हो सकता है क्या? ऐसे डायरेक्ट खा के देख सकता हूँ? हाँ टेस्ट तो अच्छा है, आलू भी ले जाएगा, आग में जला खा सकता है। आग में जला खा सकता है। तो अभी हम ये फल तोड़ेंगे यहाँ से, देखते हैं मिलते हैं तो, और फिर इनको हम फ्राई करके खाए, आग में करके खाए, फ्राई करके खाएंगे, देखेंगे कैसे लगेगा। तो अभी तोड़ते हैं, ढूंढते हैं हम भी। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है इसको बोलते हैं यहाँ पर ये लोग जंगली बादाम, और मैं अब इसी की तलाश में हूँ। वैसे मुझे मिल भी गया थोड़ा आगे आने के बाद, मैं थोड़ा आगे चल के आया हूँ ताकि मुझे ये जंगली बादाम मिल सके। और जंगल में ऐसे मतलब जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे जंगली बादाम चाहिए तो अब मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो हम तो ट्रैवलर लोग हैं, और ये सब तो हमारे लिए कुछ नहीं है। ये है वो जंगली बादाम जिसे मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर वो है क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी नहीं। वैसे तो अरुणाचल के जंगलों में भाई साग सब्जी खाने पीने की चीज़ बहुत होती है, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइजन वाली भी होती है, जिसको खाने से आपको मतलब किसी तरह का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो पहले एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद ही उस चीज़ को छूना है, उसका मतलब सेवन करना है, उसको यूज करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो हमें भी आज कुछ स्पेशल चीज़ मिली है, कुछ नई चीज़ जानने के लिए मिली है। देखते हैं शाम को इसको फ्राई करते हैं और खाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, देखो ये ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं इसको। इस ब्रिज से हम पल्ली साइड जाएंगे, और ऊपर में जाके आज हम कैंपिंग करने वाले। एक बार ये ब्रिज देखो आप, कितना मतलब डरावना है भाई। और अभी भाई मैं जिस ब्रिज पर खड़ा हूँ उसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। हेलो कैसे हो?
बहुत अच्छे। कहाँ से आ रहे हो अभी? हम लोग गांव से आ रहे हैं। ये क्या है? फूल है। जंगली फूल। अच्छा फूल है जंगली। इधर में इधर में कहाँ से आ रहे हो अभी? बस्ती है क्या इधर कोई? और इधर में? इधर घर। अच्छा इधर घर उधर बस्ती। अच्छा है। बहुत वैसे डेंजरस लग रहा है ये ब्रिज ना पार करने में, ऐसा पूरा हिल रहा है तो पूरा डर सा लग रहा है। हाँ पूरा डर सा लग रहा है। ट्रैवल विद पीयूष, ठीक है बाय, आराम से जाओ। तो भाई अभी मैं इस हैंगिंग ब्रिज से जा रहा हूँ और बाप रे क्या फीलिंग है भाई, जो मेरे नीचे से जो रिवर बह रही है ना भाई, उस वो रिवर मतलब चाइना से आ रही है और बहुत तेज पानी है। बाप रे कितना जबरदस्त है भाई ये ब्रिज। ये पूरा देखो ऐसे लकड़ी का बनाया हुआ है, लकड़ी के तख्ते है और बस खाली वायरिंग पे ऊपर से रोका गया है, नीचे इसमें मतलब कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज। और ये ऐसे मतलब हवा में ऐसे हल्का हल्का लहराता है और भाई साहब क्या फीलिंग है यार, एकदम जबरदस्त है भाई। थोड़ा डरावना सा है मेरे लिए, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि पीछे पीठ में भी बैग है, अगर मैं नीचे गिरा तो मतलब बैग वैग तो छोड़ना पड़ेगा और पानी के धार के साथ बहना पड़ेगा साइड में। वैसे तैरना आता है लेकिन इतना परफेक्टली तैरना नहीं आता है। एक बार देखो आप यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है, ये देखो बाप रे कितना सुंदर नज़ारा है। और इधर में भी देखो, और ये है हैंगिंग ब्रिज, वो जा रहा है हमारा मित्र अमन। और छोटा सा ही ब्रिज है, हवा बहुत अच्छी लग रही है, एकदम जबरदस्त वाली हवा लग रही है, पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है यार, क्या एक्सपीरियंस है सच में भाई। वैसे तो बैठने का मन है लेकिन अभी परली साइड बैग रख के वापस फिर से आएंगे। और अभी हम नदी के दूसरी साइड में जा रहे हैं ब्रिज को पार करके, और भाई चलते समय ब्रिज इतना हिल रहा है कि मतलब बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है बिना इधर साइड में हाथ लगाए, और बहुत ही ज्यादा डरावना है यार। और उधर दूसरी साइड में जाने वाले देखो अमन तो जा रहे हैं, हम भी कुछ ही देर में उधर परली साइड पहुंचेंगे और देखते हैं उधर परली साइड बस्ती है, उसे जाके देखेंगे बस्ती में लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं, मतलब उनका जीवन जाके देखेंगे यार। और अभी हम ब्रिज की दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं देखो, और देखो एक बार ब्रिज कितना बड़ा है भाई। उधर से हम इधर आए, उधर से इधर आने में बहुत डर लगा लेकिन अभी दूसरी साइड में पहुंच चुके। और देखो इधर में लोगों ने खेती वेती भी की है, मतलब पूरा भाई मूवी वाला मतलब फील आ रहा है, पूरा जंगलों में जैसे बेयर ग्रिल्स टाइप के लोग फिरते हैं ना, पूरा वो इस टाइप का फील आ रहा है। और ऐसे ही घने जंगल भी है इधर में, तो अभी चलते हैं दूसरी साइड में और देखते हैं इधर में क्या क्या है। अभी तुम ये ब्रिज क्रॉस करके आए, तुमको डर नहीं लगता? नहीं लगता? अभी इधर किधर जा रहे हो? घर जा रहे हो? इधर तुम्हारा घर है? अरे कितना क्यूट है भाई, चलो जाओ। आप भी ऐसे मतलब रोज जैसे कि आते हो तो थोड़ा डर वर नहीं लगता है? नहीं लगता है, हमें आदत हो गया। आदत हो गया ना, लेकिन हाँ फिर भी बहुत डरावना है ना। इसको तो टाइम टू टाइम बदलते होंगे ना हट्टी को? बदलता है अभी इसको, कितना 2 साल और 3 साल ऐसे यूज होता है और फिर 3 साल बाद बदल देते हैं। फिर ये लकड़ी सड़ जाता है, फिर नया बनाता है। कभी ऐसे पानी की वजह से टूटा ये ब्रिज? नहीं ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना अभी तक। तो मतलब अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ ना जिसमें ब्रिज टूटा हो? नहीं ऐसे तो नहीं हुआ यहाँ वाला था। अच्छा अभी ऊपर जा रहे हो? इधर बस्ती है क्या ऊपर? कितना ऊपर में बस्ती है? लगभग 5-6 मिनट लगेगा बस। ठीक है हम भी बस्ती है पहुँचते है ऊपर। ठीक है बाबू मिलेंगे ऊपर, ये मस्ती करेंगे शाम में। ठीक है चलो बाय बाय। अभी ब्रिज को पार करके हम देखो कैसे रास्ते से नहीं ऊपर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जूको वैली जा रहे हो, ऐसे जंगल और सीढ़ी वाले रास्ते से पहुंचने वाले इस गांव में जो कि इस ब्रिज के पार में बसा हुआ है। इधर आओ तो, ए इधर आओ तो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा बोलो तो? क्या क्या क्वैंक है? क्या कर रहे थे तुम अभी? नाच के दिखाओ तो एक बार नाच के, चलो ये बाप रे एक बार और ये इधर में आओ तो नाच नाच के। देखो भाई कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ में, घर तो 2-4 ही है लेकिन गांव बहुत सुंदर है। तो दोस्तों घूमते घूमते तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन फाइनली हमें एक जगह में स्टे भी मिल चुका है और अभी यहाँ पर रात में रुकेंगे और सुबह को दिखाएंगे भाई आपको यहाँ बहुत ही सुंदर सा विलेज। हालांकि बहुत आइसोलेटेड है और बहुत ही हिडन विलेज है, मतलब अधिकतर लोगों को ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलता है, जो कि हमें मिलने वाला है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इस वीडियो करते यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी वीडियो के साथ, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ।